दोस्तों जैसा कि आप ये मशीन देख रहे हैं, जेसीबी पोकलेट 225 है और इसके जो केबिन के अंदर में जो सिस्टम दिया हुआ है उसी के विषय में आज बात करेंगे। जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल जाहिद ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर दोस्तों के पास ज़रूर करें। बने रहिए दोस्तों, केबिन के अंदर आप ले चलते हैं और ये बैकेट दोस्तों जैसा कि केबिन के अंदर आ गए हैं और बात करते हैं क्या क्या सिस्टम दिया हुआ है। ये आपका चाबी का स्विच, ये ऑन किए और ये रहा मीटर, ये टेम्परेचर मीटर इंजन का और ये डीजल टैंक मीटर है, ये आवर्स मीटर है और ये मेरा कितना डीजल है वो इसमें शो कर रहा है और इसमें टाइम भी दिया हुआ है। अभी बज रहा है 4:34 PM। ये रेगुलेटर है और इधर जो आपका एक्सीलेटर, ये रहा आपका एक्सीलेटर, ये लॉक है और ये बूम लॉक है और ये म्यूजिक का स्विच है, ये वाइपर का पानी जो जाता है उसका स्विच है और ये वाइपर का है, ये स्टिक लॉक है और ये आगे का लाइट और पीछे का लाइट दोनों लाइट है। दोस्तों ये रहा लीवर आपका, आगे कीजिएगा तो आगे होगा, ये मार्जिंग का, ये मार्जिंग है, इसको मार्जिंग बोलते हैं और इसको आगे कीजिएगा तो आपका आगे बढ़ेगा और पीछे कीजिएगा तो आपका पीछे होगा। ये लॉक है, लिफ्ट लॉक और ये रहा दोस्तों एसी, ये एसी का स्विच, ये ऑटो है और इसका जो टेम्परेचर रहता है लास्ट 15.5 और पूरा दिया हुआ है दोस्तों। एसी का चलाने में कोई दिक्कत नहीं है और ये लीवर है, ये बूम का है, ये पीछे कीजिएगा तो आपका बूम उठेगा, डाउन कीजिएगा तो डाउन होगा और लेफ्ट कीजिएगा तो बॉकेट बंद होगा और ये राइट कीजिएगा तो बॉकेट खुल जाएगा। इसी तरह दोस्तों ये जो लेफ्ट में है इसका जो स्टिक आपका लंबाई होगा और छोटा होगा और ये लेफ्ट कीजिएगा तो लेफ्ट यानी स्विंग होगा और राइट कीजिएगा तो राइट का स्विंग होगा। तो दोस्तों बस यही है, बहुत ही आसान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो के लिए शुक्रिया एंड धन्यवाद।